मिस्टर चिराग, क्या इस शादी की वजह से आपके और आपकी फैमिली के बीच में कोई टेंशन चल रही है? सर, हमने सुना आपकी बीवी सावली है, जो आपकी माँ को नहीं पसंद है। इसे तो माँ और डॉक्टर साहब के बीच दिलाना चाहिए। अब जानते हैं कि तुमने ये किया है, हमारी मर्जी के खिलाफ। इसने किस गंदगी से शादी की है, अब वो गंदगी इसके दिमाग में आ गई। हमारे बेटे ने ही हमें घुटने पर ला दिया। किसी के प्रेशर में आके लावण्या मित्तल कभी अपने घुटने नहीं टेकेगी, चाहे वो उसके बेटे की वजह से ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पसंदीदा सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड की। दोस्तों, ये एपिसोड बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दीपिका का एक नया रूप। कहानी की शुरुआत होती है दीपिका से, जो अपने पिता के अस्पताल में एडमिट होने से बेहद परेशान है। उनके पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और दीपिका खुद को इस हालत के लिए जिम्मेदार मानती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो अस्पताल के बाहर बेबस होकर बैठी है। तभी पायल, उसकी दोस्त, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीपिका की सौतेली माँ वहाँ पहुँच जाती है। वो दीपिका पर हर इल्जाम लगाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि पहले तो तू अपनी माँ को खा गई और अब क्या तू अपने बाप को खाकर मुझे विधवा बनाना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर दीपिका का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। इतने में दीपिका के पति डॉक्टर चिराग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चिराग दीपिका की बेइज्जती को सहन नहीं कर पाते और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपिका की सौतेली माँ रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो चिराग और उनकी माँ को भी खूब खरी खोटी सुनाती है।